वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN News, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। मध्य प्रदेश के रीवा में फिर कांग्रेस की गुटबाजी। आपको बता दें कि जब भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता रीवा आता है तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहमा गहमी शुरू हो जाती है। वहीं रीवा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों एवं पत्रकारों से उलझते नजर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि NCC ग्राउंड में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उस वक्त मंच पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। तभी अचानक कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस और पत्रकारों से उलझ गए, लेकिन समय पर वरिष्ठ नेताओं ने आकर समझाइश देकर मामले को शांत करवाया। इस तरह कांग्रेस गुटबाजी हटाने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम में गुटबाजी हटने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सीधा साधा उदाहरण आज कार्यक्रम में देखने को मिला। देखिए किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों और पत्रकारों से उलझते नजर आए। राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। सहभागी बनेंगे। अनुशासन की बहुत कमी है यूथ कांग्रेस में, ये एक बार का वाकया नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि एक महिला पुलिस आरक्षक के साथ जिस तरह से बहस हो रही थी, उनसे भी मैंने बात की कि अनुशासन का पाठ युवा कांग्रेसियों को कब पढ़ाया जाएगा। देखिए आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए, और जिस तरह से पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की, उनको कार्यस्थल से निकालने की कोशिश करी थी, वो गलत था। मैं खुद उस जगह जाकर दोनों के बीच में पटाक्षेप करा था, और मैं जानता हूं कि हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से अनुशासित हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, पर अगर उनको किसी तरह से प्रताड़ित करा जाएगा तो बिल्कुल वो जवाब देंगे। नहीं, प्रताड़ित करने वाली बात नहीं, मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं। अनुशासन बिल्कुल है, और ये लगातार हम अपने जितने भी साथी हैं कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि सबका सम्मान करना है, वरिष्ठों का सम्मान करना है, और जहाँ भी कुछ कमियाँ रहती हैं उसको बीच में बैठकर हम उसको सुलझाते हैं। मुख्य कांग्रेस की तरह यूथ कांग्रेस में भी कई बार ये देखा गया है कि गुटबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोग जिस इलेक्टोरियल फॉर्मेट से आते हैं उससे कहीं ना कहीं एक विवाद खड़े हो जाते हैं, तो इसको मिटाने मैं के ये लिए मानता हूँ मैं ये मानता हूँ कि चुनाव के कारण जो ये आज चुनाव हुआ था, मैं भी उस चुनाव प्रणाली का एक हिस्सा था, और चुनाव प्रणाली में 21,000 वोटों से आज तक के भारत के इतिहास में कोई नहीं जीता था। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सब एक मंच पर आए तभी इतनी लीड हो सकती है। एक व्यक्ति की ताकत नहीं है, ये पूरे संगठन की और सारे नेताओं की ताकत है और सारे युवाओं की ताकत है कि ये इतनी बड़ी लीड मिली थी, और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कि एक दिन में अगर पूरी तरह से चीज़ें सामान्य हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। आप समय दीजिए, आप देखेंगे सब पूरी ताकत से यूथ कांग्रेस वाले भी, मेन कांग्रेस वाले भी, और सारे संगठन एक साथ लड़कर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हाँ, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहाँ पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हाँ, मात्र 359 रुपए में पाए दो नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए दो स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है।